भिंगराड़ा का एड़ी बालकृष्ण मेला 3 दिन तक चलेगा। मेले की सफल आयोजना के लिए बैठक में विचार विमर्श किया गया, बाद में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। सर्व समिति से मुकेश महाराणा को अध्यक्ष बनाया गया। बता दें जन्माष्टमी पर्व पर भिंगराड़ा में 3 दिन के लिए एड़ी बालकृष्ण मेले का आयोजन है। चंपावत के डीएम ने किया जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण। सफाई व्यवस्था में खामियां मिलने पर पीएमएस को दी सख्त चेतावनी। नर्स को कारण बताओ नोटिस जारी करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में स्नातक स्तर पर परीक्षा के पेपर लीक मामले में उत्तराखंड की स्पेशल टास्क फोर्स ने 19वीं गिरफ्तारी की। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में एसटीएफ की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। चंपावत के जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारी और कर्मचारी को सद्भावना दिवस की शपथ दिलाएगी। जिलाधिकारी ने सद्भावना दिवस पर भारत के दिवंगत भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद करते हुए कहा, भारत के सभी धर्मों के बीच सामुदायिक समरसता, राष्ट्रीय एकता, शांति, प्यार और लगाव को लोगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हम सद्भावना दिवस मना रहे हैं। चंपावत में ऑपरेशन मुक्ति टीम चंपावत द्वारा भिक्षावृत्ति व बाल श्रम कानून के संबंध में लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके नेतृत्व में गठित ऑपरेशन मुक्ति टीम द्वारा कस्बा टनकपुर बाजार व क्षेत्र में अनाउंसमेंट कर रैली निकाली गई। लोहाघाट में खुनावुरा के हरिद्रा गार्डन में नवस्थापित हरिद्रा डेंटल एवं मेगजिलोफेशियल सेंटर का शुभारंभ करते हुए दैत आश्रम मायावती के प्रबंधक स्वामी सुहदयानंद ने अपने वचन रखे और इस दौरान उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन उसी का धन्य है जो अपने सत्कार्यों से पीड़ित व्यक्तियों के चेहरे पर मुस्कान ला देता है।